अच्छा इसके अलावा डॉक्टर साहब परहेज के लिए क्या कह रहा था? तो मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। इस वक्त मैं जरा इमरजेंसी में जा रहा हूँ सिटी, क्योंकि मेरे छोटे बेटे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। इस वक्त मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, तो जाते हैं अपने बेटे की दवाई लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आपको बताते हैं जो भी हमारे बेटे को क्या हो गया था। उससे पहले अगर किसी बहन ने और मेरे भाई ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हम थोड़ा मतलब जल्दी में है, इंशाल्लाह वापसी आके आपको सारी डिटेल बताते हैं और अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फाइनली तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर वापस आ चुके हैं। आज का जो वेदर है माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपके सामने बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ये देखें माशाल्लाह। तो हमारा जो रकबा है गंदों वाला, उसमें हमने ट्रैक्टर वगैरह चलाना स्टार्ट कर दिया है। आप ये देखें गंदम के लिए रकबा तैयार हो रहा है। इससे पहले तिली की फसल थी माशाल्लाह। उसके अलावा दोस्तों मैं आप सबसे करता हूँ कोई सुबह का हाल हवाल शेयर, क्योंकि बात यह है कि सुबह जब हम मतलब यहाँ से रवाना हो रहे थे मेडिसिन के लिए, तो उस वक्त मेरे बेटे की जो है ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी तो उस वक्त जान ही निकल गई थी, लेकिन आप सबकी दुआओं की वजह से, थैंक यू सो मच, जिस मेरी बहन ने और मेरे भाई ने हमारे लिए मेरी फैमिली के लिए दुआ की और मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी सी संभल गई। इंशाल्लाह वो जब रिकवर हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी आप दुआ करें फिर से कि अल्लाह पाक उसे बहुत अच्छी सियात दे। तो उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब हम डॉक्टर के पास गए तो वहाँ रश बहुत ही ज़्यादा था। आप यकीन करें, मैंने डॉक्टर साहब को सलाम किया, उसके बाद मैंने फौरी कहा कि डॉक्टर साहब अगर कोई मरीज़ सीरियस है तो ठीक, वरना हमारा जो मरीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। असल पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ विलेज का एरिया है, यहाँ पर मच्छर मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, हम कोशिश करेंगे कि उसकी मतलब देखभाल अच्छी तरह करें, मच्छरदानी या किसी मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करें जिससे वो मच्छर काटने से बच जाए। तो अभी चलते हैं मम्मी जान के पास, उससे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि मैं आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जो कि हम सिटी जा रहे हैं। तो मम्मी जान से जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आज हम सिटी में आपकी आप समझ जाएं, और उसके अलावा मेरी मम्मी जान और मेरा छोटा बेटा गया था पार्ट टू। अभी अपनी मम्मी जान से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा है, बच्चे को क्या था। हाँ जी अम्मी जी, उसे मलेरिया बुखार था। अच्छा इसके अलावा डॉक्टर साहब परहेज के लिए क्या कह रहा था? वो कह रहा था ठंडा पानी कम दें। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है मम्मी जान। अच्छा आप सिफारिश कर दें कि इनको मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बेटे के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का यहीं करते हैं इख्तिताम, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं देखूंगा कि मम्मी जान का कहना कौन कौन मानता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है। कमेंट्स किया करें, अपनी कीमती राय जरूर दिया करें, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।